आज ईद के पर्व पर क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को इस तरह का बयान देने की। वो कहती है कि मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। वो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो चुन चुनकर मुसलमान नेताओं को फोन कर रही और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए। देश का माहौल खराब होता है। वाकई अगर आप सुख शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, तो आपसे सौहार्द से रहिए। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में आज ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी बीच एक बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बयान दिया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। दरअसल ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि वहां पर ममता बनर्जी ने ईद की नमाज भी पढ़ी। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। वो कहती हैं कि ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को एक महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये किस सेंस में कहा है ये तो ममता बनर्जी ही जानती होंगी, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपने विचार इन बयानों पर रख रहे हैं। वो कहती हैं कि समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। आज ईद के पर्व पर क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को इस तरह का बयान देने की। जब आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद को बताया जाता है, आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाया जाता है, तो फिर अनर्गल बयानबाजी और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों। वो कहती हैं कि मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। वो बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि वो चुन चुनकर मुसलमान नेताओं को फोन कर रही और पूछ रही हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड NRC और CA लागू नहीं होने देंगी। अब आज के दिन इस बात का क्या मतलब था, जब देश खुशी खुशी ईद का त्यौहार मना रहा है तो फिर UCC, NRC और CA क्यों इस पर बात रखनी जरूरी थी। जबकि ममता बनर्जी जानते हैं कि UCC को लेकर, NRC को लेकर, CA को लेकर इससे पहले कितना बवाल हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या जानबूझकर ऐसा हो रहा है? क्या मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बार ममता बनर्जी ने UCC पर TMC से स्थिति जो है वो साफ करती है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका यह स्टैंड बहुत अहम है, जो दर्शाता है कि बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले UCC के खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं। अभी तो साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पहले चरण का मतदान बेहद करीब है, और दूसरी तरफ आज ईद का दिन भी है, और तीसरी तरफ वो मुसलमानों को लगातार अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या महज मुसलमान सिर्फ वोट के खातिर रह गया है? क्या माइनॉरिटी को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप उनका वोट बटोर सके? वो कहती हैं कि अपना खून देने को तैयार हम हैं। ममता बनर्जी कहती है, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं, मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। चुनाव के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करती हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम UCC स्वीकार नहीं करेंगे, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है तो मंजूर खुदा होता है। हम नफरत नहीं करने जाते हैं, हम नफरत नहीं, हम हेट नहीं, हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम NRC नहीं, हम क्या नहीं, हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का एक साथ में रहेंगे, हम लोग दूर नहीं जाएंगे। अब एक साथ रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और तब तक हम लोग जिंदा है। अब ये याद रखना, हमको जितने भी बर्बाद होना पड़ेगा उतने भी हम क्वेयर है। अब मत तो डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का पक्ष में है, हम रहते जाऊंगे कि हम मौत को डरते नहीं है, मौत हमको डरते है। अब ममता बनर्जी इतनी सब बातें लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण के इतने दिन पहले क्यों बोल रही हैं तो ममता बनर्जी जानती हैं, लेकिन मतलब तो बहुत सारे निकल रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि कोई भी BJP को वोट ना दे। ममता ने कहा कि कुछ भी होता है तो कोर्ट चले जाते हैं, हमारे लोगों को जमानत तक नहीं मिलती, हमें न्याय चाहिए। ममता बनर्जी तक तो ठीक था, लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या बोल गए।
अभिषेक बनर्जी कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब इस दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान मुस्लिम सिख ईसाई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, इस भाईचारे को बरकरार रखिए, शाम और अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए, जो समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं और हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं आने वाले दिन में उनका विसर्जन या जनाजा निकालना चाहिए। सबको ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। आपने एक महीना से रोजा रखा, अल्लाह के सामने दुआ मांगा, अल्लाह आपका हर दुआ कबूल कर और आपके परिवार में सब भाईचारा बरकरार रख के सब प्यार से रहे और बंगाल का जो एकता है वो बरकरार रखे। मैं खाली इतना ही कहूंगा, जिस तरीके से आप सबने प्यार और भाईचारा बना के रखे हैं, इस चांद को, जिस चांद को देख के ईद मुबारक हम लोग कहते हैं, उस चांद को देख के करवा चौथ भी होता है। जो पानी गंगा में एक हिंदू भाई पीता है, वही पानी आबे जमजम में एक मुसलमान भाई भी पीता है। पानी का कोई मजहब नहीं होता है, चांद का कोई मजहब नहीं होता है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा का कोई मजहब नहीं होता है। और जो सोचता है भाई से भाई को लड़ाएंगे और समाज में एक दरार पैदा करेंगे, उनके लिए उनके लिए मैं दो चार शब्द खाली बोलना चाहता हूं। अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। किस तरह की मानसिकता आप रखते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। कोई हिंदू किसी मुसलमान को इस तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहता, कोई मुसलमान किसी हिंदू से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि इसमें सब कुछ जायज हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन मुसलमानों का राग कुछ लोग अलापते रहते हैं, उन मुसलमानों की इतनी फिक्र है? इतनी फिक्र है तो एक तबके का मुसलमान जिन्हें पसमंदा मुसलमान कहा जाता है, वो क्या लोगों के साथ है, वो क्या सोचता है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, देश में काफी समय से कोई जनगणना तो हुई नहीं है। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई थी और बिहार में हुई जातिगत जनगणना में पाया गया है कि 100 में से 80% पसमंदा मुसलमान है। देश में अगर मैं बात करूं तो 17% मुसलमान है, उसमें भी अगर देखा जाए तो करीब 80% के आसपास पसमंदा मुस्लिम है। देश में ऐसे कई मामले मिलेंगे जिसमें पाया जाता है कि जो पसमंदा नहीं है वो पसमंदा समुदाय में घुसे हैं, जबकि कुछ लोग बड़े समाज में दिखने के लिए खुद को पसमंदा से दूर किए हुए हैं। अब नाम के साथ टाइटल लगाकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जिस प्रकार से हिंदू समाज है ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज भी है। शायद ही ऐसी कोई जाति होगी जो हिंदुओं में हो और मुसलमान में ना हो। पसमंदा को देखा जाए तो सीधे तौर पर उसे दलित मुसलमान की श्रेणी दी जा सकती है। मुसलमानों में करीब एक दर्जन से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जो पसमंदा समाज के अंतर्गत आती हैं। हिंदू दलित से भी सबसे अधिक हाल खराब पसमंदा मुसलमानों का है। अब ये तो मैंने सिर्फ बिहार का जिक्र किया है, अनुमान लगाएं तो पूरे देश के मुसलमानों का यही हाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुसलमानों को सभी पार्टियां टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो इन लोगों तक पहुंच रहे हैं? हैदराबाद के सीएसएस बैठक में भाजपा ने पसमंदा समुदाय की बात की थी, उसके बाद से पसमंदा को न्याय दिलाने के लिए यात्रा भी निकाली गई, उसके बाद ये बातें दिल्ली में भी दोहराई गई। भोपाल में भाजपा ने यहां तक कहा कि मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जिनको मुसलमान समाज भी अछूता समझता है, उसको उसका हक नहीं देता, इसलिए उनको सेकुलर पार्टियों को जिम्मेदार माना। भाजपा के ऐसे बातों से मुसलमानों के पसमंदा के वोट में सेंध मारने की बू आती है। मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं करता, भाजपा की यह चाह है कि अशराब और पसमंदा यानी कि अगड़ी और पिछड़ी करके पसमंदा के वोट को अपने पक्ष में किया जाए, इसके लिए भाजपा ऐसा काम कर रही है। ये सिर्फ मुसलमान में विवाद कराने के लिए किया गया था, लेकिन ये बात पहले की है, इस चुनाव में ये बातें भाजपा की ओर से कहीं भी नहीं की जा रही। चुनाव में तो सीधा मुसलमानों के खिलाफ में भाजपा बोल रही है, पूरी तरह से चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया है, ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं।
भाजपा को ये लग चुका है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने का कोई फायदा नहीं, आखिरकार मुसलमानों का वोट सेकुलर पार्टी को ही जाएगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए जिन योजनाओं का लाभ हिंदुओं को मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है, जिन परियोजनाओं से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। मोदी भाईजान के नाम से एक अभियान शुरू किया गया था, बाद में वो कामयाब ना हुआ तो उसे बंद कर दिया गया। आज़ादी के समय से संघर्ष पसमंदा समाज ऐसा है जो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान के खिलाफ रहते हैं। ओबीसी की पार्टी सभी मुसलमान को एक करने की बात करती है, जिस तरह से ही भाजपा सभी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करती है। आज़ादी के समय देखा जाए तो 1940 में दो देश करने के मामले को लेकर भी पसमंदा समुदाय खिलाफ था। उस समय पसमंदा की जगह मोमिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 1998 में ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के नाम से जब संगठन बनाया गया तब से पसमंदा शब्द प्रचलन में आया। अब ऐसे में भाजपा को एक पसमंदा काफी प्रचलित शब्द मिल गया, उसके बाद उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई। पसमंदा में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जातियां नहीं थे। पसमंदा कोई जाति और धर्म नहीं, जो गरीब और दलित है उसी को उर्दू में पसमंदा कहा जाता है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन चुनाव में ऐसा अभी तक कुछ नहीं बोला। अभी चुनाव में अंदर खाने क्या हो रहा है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जिन मुसलमानों को अपनी तरफ होड़ करने की कोशिश या असम में लगी है, लेकिन वो पसमंदा मुस्लिम की तरफ नहीं देख रहे हैं। बीच में काफ़ी हम 2023 में देखा, 2022 में देखा, पसमंदा मुसलमानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक एन वक्त पहले पसमंदा मुस्लिम का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम एक वोट के लिए रह गया है, महज वोट देने के लिए, कि आप कुछ भी हो आपको वोट देना है तब आपकी बात होगी, वोट जब मिल जाएगा उसके बाद आपकी बात नहीं होगी। और ऐसे दिन जिस दिन त्यौहार है उस दिन तो कम से कम ऐसे नेताओं को जो कि रोल मॉडल हैं, जिन लोग सुनते हैं देखते हैं उनके पोस्ट को देखते हैं, उन्हें तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी ने की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने की। इससे कहीं ना कहीं देश का माहौल ख़राब होता है। वाकई अगर आप सुख शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, तो आपसे सौहार्द से रहिए। चुनाव नज़दीक है, अगर आपने काम किया है तो आपको वोट मिलेगा, अगर सरकार ने काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। अगर आप पर भरोसा जनता जताना चाहती है तो आप पर भरोसा जताएगी। जनता जनार्दन है, उस पर विश्वास रखिए। इस तरह की बयानबाजी करके समाज को तोड़ने की कोशिश मत करिए। एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।